मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपको काफी टॉपिक दे चुके हैं। आज आपके बीच में हम, चाहे वह कंपटीशन के लिए हो चाहे एकेडमी के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच में आज आया हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कलम कॉपी निकालें और इसको तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि चाहे वह एकेडमी की क्लास हो, चाहे वह कंपटीशन की क्लास हो, चाहे बीएसटीसी की क्लास हो, चाहे रीट की क्लास हो, ठीक है, हर चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे किसी एकेडमी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यह टॉपिक जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके बीच में बताने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का पार्ट वन आज आपके बीच में लेकर के आए हैं। नरेशन, जिसको आप सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नामों से जानते हो, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन किसे कहते हैं। हम आपको टोटल हिंदी में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सके और हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ सके, इसलिए हम हिंदी में इसको क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नरेशन का मतलब होता है, कोई भी पूछे तो आपको बता देना है, कथन। नरेशन का डिफिनेशन, नरेशन की परिभाषाएं क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि वक्ता, वक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकर। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला, वक्ता के व्यक्त करने के कला को नरेशन कहते हैं। वक्ता जो होता है, वह व्यक्त जो बात करता है, जो एक्सप्रेस करता है, उसके बातों को एक कला के रूप में व्यक्त करना, वह नरेशन कहलाता है। फिर बात आती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, यानी नरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको हम सभी कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। कोई भी पूछे कि डायरेक्ट नरेशन, तो आपको बताना है कि डायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। अब प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, आपको बताना है कि वक्ता, वक्ता मीन्स मैंने भी आपको बताया स्पीकर, वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे आपने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, तो मैं कहूं कि आपके साथ मुझे भी मुंबई चलना है, यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी व्यक्ति के बातों में व्यक्त कर देना, उसी के शब्दों में कह देना, वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। या यदि आप इससे नहीं समझ पाते हो, तो आपको बताना है कि डायरेक्ट नरेशन में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, वह है आपका जो है डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि ही सेड टू मी आई हैव ए बुक, ही सेड टू मी आई हैव ए बुक। अब इसमें देखिए आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसलिए कोई भी पूछे तो आपको बताना है कि यह हमारा कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। दूसरा आपका है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि वक्ता यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों वक्ता के शब्दों में न कहके, बल्कि उसको अपने शब्दों में, यानी श्रोता के शब्दों में, श्रोता अपने शब्दों में कह दे, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी वक्ता जो बात कह रहा है, उस बातों को उसके शब्दों में न कहके, बल्कि उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन का एक और पहचान होता है, जो हमने नोट के रूप में यहां आपको बताया है, कि इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। जहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग न हो, वह है आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ए बुक। अब इसमें देखिए, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए आपका यह कौन सा नरेशन हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। फिर बात आती है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, अभी तो हम लोग देख लिए नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, तो आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, पहला होता है देखिए रिपोर्टिंग वर्क, आपने नाम सुना होगा, पहला जो हमारा है वह रिपोर्टिंग वर्क होता है। रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है,
इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम डायरेक्ट सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर वाला भाग होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल में राधा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर बॉय, तो देखिए इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा भाग है, राधा सेड। राधा सेड देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसलिए आपका यह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, कोई भी पूछे रिपोर्टिंग वर्ब तो आप सीधे बताइए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नंबर इसका दूसरा जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। कोई भी पूछे रिपोर्टेड स्पीच तो आप बताइए इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग तो रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग होता है वह आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ही सेड यू हैव ए बुक, अब इसमें आप देखिए कि यू हैव ए बुक यह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए आपका यह रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो कोई भी पूछे कि बताओ डायरी के कितने भाग, तो आप बताओ डायरी नरेशन के दो भाग, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। कोई पूछे नरेशन के कितने भाग होते हैं, तो आप बताइए कि नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। हमने टोटल डिफिनेशन के माध्यम से आपको मैंने बता दिया, मेरे चैनल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरा जो है सारा नोटिफिकेशन चैनल का आपके बीच पहुंचता रहे, और आपको कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।